हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से ब्रांड एम्बेसडर्स की लिस्ट पूरी देखेंगे। यहाँ पर हम लोग सभी सरकारी योजनाओं के ब्रांड एम्बेसडर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और कैंपेन्स और जितने भी इनिशिएटिव चले हैं सभी के ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। महत्वपूर्ण कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर्स भी हम लोग स्किप नहीं करेंगे, पूरी लिस्ट यहाँ पर होगी, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता है। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कीम्स और कैंपेन्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसी से ज़्यादा पूछा जाता है, खासकर अगर आप बड़े लेवल के एग्जाम दे रहे हैं। वनडे एग्जाम्स में तो किसी भी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछा जा सकता है। सिटी कंपोस्ट कैंपेन ही चला था, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अमिताभ बच्चन। और स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा था ये सिटी कंपोस्ट कैंपेन। ये करीब एक वर्ष पहले चला था, 2018 में। इंडियन साइकेट्रिस्ट सोसाइटी की ब्रांड एम्बेसडर थी, बनी थी दीपिका पादुकोण। ये आपका इंडियन साइकेट्रिस्ट सोसाइटी जो है ये मनोवैज्ञानिकों का भारत में सबसे बड़ा संगठन है। माँ यानी कि मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की स्कीम थी, 2016 अगस्त में आई थी और उसी समय इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी माधुरी दीक्षित। अब आप पूछोगे कि इतना पुराने से क्यों जा रहे हैं, क्योंकि पुराने क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। गवर्नमेंट स्कीम्स कभी की भी आ सकती हैं, बात ध्यान रखिए। अभी इस साल जो एनडीए का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि आप बताइए कब लॉन्च हुई थी आपकी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और क्या उसके प्रोविजंस थे, ये सब पूछा गया था, ठीक है। 2016 में स्कीम आई थी स्वच्छ साथी जो ये चला था अभियान, इसकी एम्बेसडर थी दिया मिर्ज़ा। दिया मिर्ज़ा यूनेप की गुडविल एम्बेसडर हैं, ठीक है। ये छात्र इंटर्नशिप कार्यक्रम था ये स्वच्छ साथी, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर या प्रमोटर बनी थी दिया मिर्ज़ा। पल्स पोलियो के तो अमिताभ बच्चन है, आपको पता है मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था और लगातार वो प्रमोट करते हैं जब भी पल्स पोलियो ड्राइव चलती है। डिजिटल इंडिया बहुत पुराना हो चुका है, खैर 1 जुलाई 2015 को आया था, लेकिन फिर भी डिजिटल इंडिया पूछा जा सकता है। इसके ब्रांड एम्बेसडर 4 लोग बनाए गए थे। श्री सतवत जगवानी जो कि जेई आईआईटी में के 2015 के एग्ज़ाम में इन्होंने टॉप किया था, श्री सतवत जगवानी। और दूसरी हैं मिस कृति तिवारी, आईआईटी जेई एडवांस गर्ल टॉपर रही थी 2015 की। अंकित फाड़िया ये ऑथर और एथिकल हैकर हैं, और उसके अलावा श्री प्रणव मिस्त्री ये सैमसंग इंडिया के हेड नहीं मतलब सैमसंग इंडिया से जुड़े हुए हैं। और ये 4 लोग हैं, अंकित फाड़िया, प्रणव मिस्त्री, कृति तिवारी और श्री सत्वत जगवानी, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात कर लें, ये योगा और आयुर्वेद हरियाणा में प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बाबा रामदेव हैं, ठीक है। बड़े स्तर पर योग का प्रचार करने के लिए उन्हें बनाया गया था। कन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, महिला एंटरप्रेन्योर का संघ, इसकी हेड हैं या फिर सॉरी इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, ठीक है। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। कन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स करता क्या है कि महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट, उनका नॉलेज गेन करवाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनको रिसोर्सेज से एक्सेस दिलवाने के लिए जिससे वो अपना बिजनेस बढ़ा सकें। केरला आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके स्टेफी क्राफ। केरल आयुर्वेद के कौन थे? स्टेफी ग्राफ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो मेक इन इंडिया के बनाए गए थे पीरूष खंबाता, ये 2015 में बनाए गए थे। पीरूष खंबाता कौन है? रसना के हेड हैं। रसना जिसका वो आता है आपका पीने वाला ड्रिंक आती है, मतलब घर पर बना के पीते हैं शरबत उसका, उसके ये हैं प्रमुख पीरूष खंबाता। समाजवादी पेंशन योजना, जब उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी द्वारा चलाई जा रही थी 2014 के करीब, तब ये समाजवादी पेंशन योजना आई थी, विद्या बालन इसकी थी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो हरियाणा में चलता है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी साक्षी मलिक, ठीक है, जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता था 2016 रियो में। उसके अलावा केरल में शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में कौन शामिल है? सचिन तेंदुलकर। और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की हैं ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए समाजवादी किसान बीमा योजना जब चलती थी, समाजवादी सरकार चलाती थी उत्तर प्रदेश में, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसके ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। अतुल्य भारत के तो पीएम मोदी जी ही हैं। अरुणाचल प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर बने थे एक बार जॉन अब्राहम। अब कंपनीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनीज़ बहुत सारी हैं और बहुत फ़नी वे में जो है आपको याद भी रहेगा, आपको मतलब एड्स वगैरह तो देखते रहते हैं हम लोग। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर फ्लिपकार्ट के बने थे, और फ्लिपकार्ट से अगर आप देखें तो लेटेस्ट में आलिया और रणबीर कपूर कर रहे हैं इसका एडवर्टीजमेंट। तापसी पन्नू कुरकुरे करती हैं, और अनमोल केसी कर रहे हैं स्प्राइट का। लिसा हेडन ललवानी ये ब्रांड एम्बेसडर थी यहाँ पर।
क्रिस्टेस की, और पीवी सिंधु थी यहाँ पर पीएनबी मेटलाइफ की, दिनेश भाटिया बने थे अर्जेंटीना गणराज्य में भारत के राजदूत, ये भी बीच बीच में करते जाएंगे। करीना कपूर खान स्वस्थ इम्यूनाइज्ड इंडिया कैंपेन जो चली थी अभी करीब फेब मंथ में इस साल, उसकी हैं। रुचिरा कंबोज भूटान में भारतीय राजदूत बनी। श्रेया चोपड़ा भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की हैं ब्रांड एम्बेसडर। जॉन्टी रोड्स ये इसुजू मोटर्स इंडिया के हैं। जॉन्टी रोड्स फॉर्मर क्रिकेटर हैं, साउथ अफ्रीका से खेलते थे। विराट कोहली फिलिप्स इंडिया के बने थे। स्मृति मानधना बाटा स्पोर्ट्स वियर ब्रांड पावर के, मतलब उनका बाटा स्पोर्ट्स का एक ब्रांड है, सब ब्रांड है पावर, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं स्मृति मानधना। अमिताभ बच्चन मुथूट ग्रुप के तो है ही है, मुथूट होम लोन वो ऐसे सोने वाला ऐड आता था, मतलब सोने को दे करके आपको लोन मिल जाता है मुथूट से। सचिन तेंदुलकर T20 मुंबई लीग के, शोएब अख्तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ग्रैंड मास्टर विजित गुजराती ये हैं ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड्स के। हार्दिक पांड्या लुब्रिकेंट्स इंडिया हिंदुजा ग्रुप कंपनी के हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन भी बाटा का करती हैं, बाटा वीमेंस वियर का, ठीक है। कृति सेनन और सुशांत सिंह राजपूत मिल करके वर्लपूल इंडिया का करते हैं। MS धोनी कई सारी चीज़ों करते हैं, जैसे सुमाधुर ग्रुप का करते हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला अमेरिका में भारत के राजदूत बने थे, और दीपिका पादुकोण विस्तारा की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, विस्तारा एयरलाइंस की। हार्दिक पांड्या गल्फ ऑयल के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। जैकलिन फर्नांडिस डाबर हनी का करती हैं। अनुष्का शर्मा कॉक्स एंड किंग्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। उसके अलावा यामी गौतम फेयर एंड लवली का करती आ रही हैं आज भी। सचिन तेंदुलकर ब्रिटानिया के हैं और MRF की भी हैं वैसे। और कृति सैनन जो है ये डाबर इंडिया लिमिटेड की भी बनी थी। और विराट कोहली रेमिट टू इंडिया, अब भारतीय प्रवासी केंद्रित वैश्विक ऑनलाइन प्रेषण पोर्टल के भी बने थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और उसके अलावा MS धोनी इंडिगो पेंट्स का करते हैं, रोहित शर्मा शार्प टीवीज का करते हैं, सौरभ गांगुली यहाँ पर क्राफ्ट हैंड्स इंडिया के यहाँ पर बने थे ब्रांड एम्बेसडर, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट, फिफ्थ लार्जेस्ट फूड और बेवरेज कंपनी मानी जाती है। कैटरीना कैफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एजुकेट गर्ल्स की यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, याद रखा जा सकता है। महेंद्र सिंह धोनी बने थे नेटमेड्स के, अभी भी हैं, मतलब ये आप ऑनलाइन मेडिसिन मंगा सकते हैं, वो वाला पोर्टल है ऑनलाइन फार्मेसी का। जैकलिन फर्नांडिस यहाँ पर बनी थी बोट की, तो बोट जो लोग जो म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं आपको पता होगा, बोट के स्पीकर्स आते हैं, बोट के हेडफोन्स आते हैं, और ये US बेस्ड कंपनी है। एलियाने डिक्रूज यहाँ पर टूरिज्म फिजी की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, फिजी टूरिज्म को भारत में प्रमोट करने के लिए, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगर हम देखें विराट कोहली, अच्छा फिजी की कैपिटल क्या है बताइए कमेंट करके, ठीक है। उसके अलावा विराट कोहली ल्यूमिनस पावर्स न्यू ब्रांड अमेज का करते हैं। उसके अलावा पंकज शर्मा जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए राजदूत और भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने थे। अक्षय कुमार सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये पिछले साल अगर आपको याद हो नवंबर या सितंबर में, थोड़ा और पहले, 3 फिल्म आई थी एक एक मिनट की, आर बालकी ने इनको डायरेक्ट किया था। बहुत ही फनी वे में सड़क सुरक्षा के रूल्स अक्षय कुमार समझाने की कोशिश कर रहे थे PIB के यूट्यूब चैनल में, अभी भी पड़ा होगा वो वीडियो। प्रियंका दास फॉर गर्ल्स एंड साइंस इनिशिएटिव जो फ्रांस में चलता है उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। रुजेंद्र टंडन आसियान में भारत के राजदूत। वरुण धवन और अनुष्का शर्मा स्किल इंडिया अभियान, स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए बने थे। जब इनकी फिल्म आ रही थी आपको याद हो अगर सुई धागा, तो उस दौरान ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ऐसे ही ट्राइफेड की ब्रांड एम्बेसडर हैं मैरी कॉम, अगर आपको नहीं पता तो, यहाँ लिखा नहीं है। जया प्रदा यहाँ पर नेपाल पर्यटन के लिए सद्भावना दूत बनी थी, सद्भावना दूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर। AR रहमान सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, सिक्किम के ग्रीन एम्बेसडर बने थे मोहित चौहान, ठीक है। तो वहाँ पर एक ग्रीन एम्बेसडर भी हैं जिनको हरित राजदूत बोलते हैं, और एक ब्रांड एम्बेसडर हैं। विराट कोहली यहाँ पर उबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, वर्ल्ड कप के दौरान इसका एडवर्टीजमेंट आता था। अंतर्राष्ट्रीय शूटर जो हैं गौरी शुराण, इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनने का काम किया था हरियाणा सरकार की दो योजनाएं जो चल रही थी, मीजल्स रुबेला कैंपेन जब चल रही थी हरियाणा में तब। मैरी कॉम भारत दूर संचार लिमिटेड की ये बनी थी, और ये पिछले साल UPSC में पूछा गया था 28 अक्टूबर 2018 को जो पेपर हुआ था GS का, उसमें। गोल्डन गर्ल हिमा दास ये असम की स्पोर्ट्स एम्बेसडर हैं, ये जरूर से ज़रूर आपके एग्जाम में आ सकता है। आमिर खान ये फ़ोन पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मुरली कार्तिक फैंटेसी 11 के हैं। महेंद्र सिंह धोनी रेड बस के भी हैं। विकास खन्ना जो हैं इंडो अमेरिकन आर्ट्स काउंसिल के बने थे। मयंक अग्रवाल क्रिकेटर फास्ट एंड अप के।
वीरेंद्र सहवाग पॉलिसी x.com के। उसके अलावा अगर हम देखें सुरेश रैना फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म फैंटेन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जो हैं लॉयड के ब्रांड एम्बेसडर हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं पोकर स्टार्स इंडिया के, राधिका आप्टे क्लिनिक इंडिया के, बेनेडिक्ट कंबरबैच यहाँ पर हैं एमजी मोटर्स इंडिया के, आयुष्मान खुराना विंग जॉय के ब्रांड एम्बेसडर हैं, विराट कोहली गूगल डुओ मोबाइल ऐप के हैं और रणवीर सिंह शाओमी इंडिया के भी हैं और रणवीर सिंह कजारिया प्लाई के भी हैं, महेश बाबू जो मतलब साउथ के एक्टर हैं ये क्लोजअप टूथपेस्ट के हैं, गौतम गंभीर यहाँ पर हैं क्रिकप्ले अभियान अब खेले का इंडिया इनिशिएटिव के ये कैंपेन के बने थे, काजोल लाइफ बॉय के ब्रांड एम्बेसडर हैं, डेटॉल के हैं अमिताभ बच्चन और महेंद्र सिंह धोनी जो है मास्टर कार्ड के भी हैं, राहुल द्रविड़ मणिपाल हॉस्पिटल्स के, रणवीर सिंह डिश टीवी के, आलिया भट्ट नोकिया वीवो का भी कर चुकी हैं, वीवीएस लक्ष्मण एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के भी हैं ब्रांड एम्बेसडर, महेंद्र सिंह धोनी आपके जो है कोलगेट के भी हैं ब्रांड एम्बेसडर, जया एहसान जो है महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की बनी थी जब ये टूर्नामेंट हुआ था, हार्दिक और कृणाल पांड्या दोनों भाई हैं, ये फैंटेसी जो स्पोर्ट्स स्टार्टअप है हाला प्ले उसके लिए करते हैं एडवर्टीजमेंट, गीता शर्मा बरेली की ब्रांड एम्बेसडर हैं, विराट कोहली मोबाइल प्रीमियर लीग के भी हैं, शाहरुख खान यहाँ पर जो कैंट के प्रोडक्ट्स आते हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल्स से आईपीएल 2019 सीजन के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, मतलब ये अगर आपको पता हो कि आईपीएल जब शुरू हुआ था तो टीम के कप्तान थे पहले सीजन में लेकिन 2019 ब्रांड एम्बेसडर हैं, महेश बाबू डेनवर के ब्रांड एम्बेसडर हैं, डेनवर के आपके आते हैं आपके डिओड्रेंट्स वगैरह और शेविंग प्रोडक्ट्स भी आते हैं, ऋतिक रोशन बने थे एसेंट मेडिटेक के ब्रांड एम्बेसडर, साक्षी मग्गू बनी थी एम्बूप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की, युवराज सिंह होलो सूट के ब्रांड एम्बेसडर, वरुण धवन मारुति सुजुकी के, युवराज सिंह का अगर आपको पता हो कि उनका एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी चलता है कैंसर के लोगों के लिए उसका नाम है यू वी कैन, एमएस धोनी बने थे भारत मैट्रिमोनी के लिए भी मैट्रिमोनियल साइट है, ऊबर ईट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं आलिया भट्ट, पृथ्वी शॉ हैं नवनीत एजुकेशन लिमिटेड के, सचिन तेंदुलकर अपोलो टायर्स के बने थे MRF के तो बहुत पहले से हैं, स्वप्ना बर्मन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के योनो प्लेटफॉर्म की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, योनो का मतलब एक बार पूछा गया था हमारे एग्जाम में इसका मतलब होता है यू ओनली नीड वन, आमिर खान डैटसन इंडिया के हैं डैटसन की जो मतलब फोर व्हीलर गाड़ियाँ आती हैं, अनुष्का शर्मा रूपा एंड कंपनी की हैं ब्रांड एम्बेसडर, जॉन्टी रोड्स इसुजू के हैं, रणवीर सिंह जो है सियाराम के ब्रांड एम्बेसडर हैं, सियाराम वालों ने इनकी शेरवानी बनवाई थी इनकी शादी में और वो तो सभ्यसाची की थी सभ्यसाची की बनी थी उन्होंने एक्चुअली में, विराट कोहली जो है फिलिप्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, चित्रांगदा सिंह डॉलर मिसी जो मतलब लेगिंग्स वगैरह आती हैं फीमेल्स की उनकी ब्रांड एम्बेसडर हैं, सौरभ गांगुली क्राफ्ट हैंड्स इंडिया हम देख चुके हैं, संजीव कपूर लियोनार्डो ऑलिव ऑयल के थे और टाटा संपन्न का भी ऐड करते हैं टाटा संपन्न मसालों का, अमिताभ बच्चन वन प्लस सिक्स के हैं और आमिर खान चाइना हेल्स के, साइमा वजेद हुसैन ये WHO के सद्भावना राजदूत हैं दक्षिण एशिया में ऑटिज़म के लिए, ठीक है ये आ सकता है आपके एग्जाम में WHO से रिलेटेड जो है आ सकता है, उसके अलावा संदीप पाटिल इंडोर क्रिकेट टीम के, सनी लियोन फुटसॉल फुटबॉल फ्रेंचाइजी केरल कोबरा टीम के लिए, अमिताभ बच्चन इनरवेयर ब्रांड लक्स के भी हैं और किदांबी श्रीकांत ITM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के हैं, शाहरुख खान ह्यूंडई के हैं लगातार 2 साल से और सुरेश रैना अभी बने थे स्वच्छ भारत मिशन के लिए गाजियाबाद से अभी लेकिन ये पहले की न्यूज़ है 2-3 साल पहले की, सुरेश रैना गाजियाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बने थे उसी दौरान, विराट कोहली जो है संजीव गोयन का ग्रुप के बने थे उनका जो एक 2M करके जो आता है अगर आपको पता हो हेल्दी चिप्स करके उसको प्रमोट किया जाता है बेग्ड चिप्स करके प्रमोट किया जाता है, विश्वनाथन आनंद पोकर स्पोर्ट्स लीग के बने थे, अल्लू अर्जुन और आलिया भट्ट फ्रूटी के लिए बनी थी, शोएब अख्तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं ही, उसके अलावा चॉकलेट स्निकर्स का ऐड करते हैं MS धोनी, विराट कोहली उबर का वीवो के लिए, आमिर खान हार्दिक पांड्या लुप्रिकेंट्स और ये सब हम देख चुके हैं कुछ कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, उसके अलावा वर्लपूल कैटरीना एजुकेट गर्ल्स हो गया, नीतू चंद्रा करती हैं प्रो कबड्डी लीग टीम पटना पायरेट्स की, पटना पायरेट्स की साथ साथ ब्रांड एम्बेसडर होने के साथ साथ ओनर में से भी एक हैं स्टेक होल्डर हैं इसकी, पटना पायरेट्स वो टीम है जिसने प्रो कबड्डी लीग में लगातार मतलब सबसे ज़्यादा टाइटल अभी तक जीते हैं 8 सीजन में 3 उनके पास हैं, 2019 का
प्रो कबड्डी लीग का चैंपियन कौन है बताइए कमेंट करके जल्दी से। हमने बताया आपको अपने स्पोर्ट्स के वीडियो में, हिमा दास गेटोरेट का करती हैं। गेटोरेट क्या है? बेसिकली पेप्सिको का एक एनर्जी स्पोर्ट्स ड्रिंक है, ठीक है। और हरभजन सिंह ब्रून एंड बेयरस्किन का करते हैं। विगी कौशल ने अभी हैवेल्स का जो अभी सौंदर्य उत्पाद आया ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स उसका कर रहे हैं। सलमान खान भारत पे का करते हैं। भारत पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूपीआई बेस्ड ट्रांजेक्शन्स अलाउ करता है मर्चेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अक्षय कुमार करते हैं टैफी का, ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स लिमिटेड का। एमएस धोनी करते हैं इंडियन टेरेन का। विराट कोहली, ऋषभ पंत अभी हिमालय मेंस क्रीम का और फेस वॉश का प्रचार कर रहे हैं। एमसी मैरी कॉम स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा का करती हैं। पीवी सिंधु, साक्षी मलिक स्वच्छ भारत मिशन का करती हैं। नताली इमैनुअल करती हैं रिबॉक का। रिबॉक का इंडिया किसकी तरफ से काफ़ी लोग करते हैं। नाओमी ओसाका ये फ्रेंच ओपन का इन्होंने किया था मास्टर कार्ड की तरफ से। और रोहित शर्मा ने निसान ग्लोबल का किया है। कैटरीना कैफ ने लक्स का किया है। कायरा आडवाणी ने पॉन्ड्स का, लेटेस्ट में श्वेता तिवारी क्लिनिक प्लस, मतलब ये सब नहीं आ सकता है ज़्यादा। अर्बन क्लैब का किया कृति सैनन, आयुष्मान खुराना ने राणा, अच्छा आयुष्मान खुराना वही है जिनको अभी 66th जो नेशनल अवार्ड है उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अलॉन्ग विद विकी कौशल। राणा दग्गुपाती जो हैं ये तेलुगु टाइगर्स जो उनकी टीम है उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ऑबिचुरीज के बारे में देख लेते हैं, इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति, विभूतियां, हस्तियां जिनका निधन हो गया और उनसे रिलेटेड क्या कुछ क्वेश्चंस फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में। इसको देखते हैं हम। शौकत कैफी का निधन हो गया, मशहूर अभिनेत्री थी। तो ये फील्ड तो ज़रूर ध्यान रखना है कि किस विधा से, किस क्षेत्र से कोई व्यक्ति रिलेटेड था। तो ये थी मशहूर अभिनेत्री। अब उनके बारे में दिया हुआ है कि गर्म हवा, उमराव जान जैसी फिल्मों में उन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। अब अगला है वशिष्ठ नारायण सिंह, ये मैथमेटिशियन थे। ये भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा बिहार में सरकारी प्रोफेसर थे। रमाकांत गुंदेजा का निधन हो गया, ये ध्रुपद गायक थे। पद्मश्री सम्मान से इनको एक बार सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही देखेंगे। टी एन शेषन ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे और इनको लोगों का मतलब जो अभ्यर्थी थे, जो कैंडिडेट्स हुआ करते थे उनका जो कैंडिडेचर रद्द करने के लिए जाना जाता था, ठीक है। इनको जो है विधायक खाने वाला कहा गया था। तो कुल मिलाकर के बहुत सख्त सीईसी थे और इनके बारे में दिया हुआ तमिलनाडु कैडर के थे। आईएएस अधिकारी ने 1990 से लेकर 1996 तक चुनाव आयोग में काम किया और अपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं। अगला है येवेट लैंडी, तो ये फ्रेंच रेजिस्टेंस लेजेंड है, नाजी कैंप सर्वाइवर हैं। तो नाजी कैंप में इन्होंने सर्वाइव किया था और 1916 में इनका जन्म हुआ था, अभी इनका निधन हुआ है 97 वर्षीय आयु में। नवनीता देवसेन ये लेखिका हैं, तो उनका कुछ ना कुछ अवार्ड जो उनके मिले होंगे या फिर उनका कोई फेमस वर्क वो याद रख सकते हैं। इनकी नवनीता के लिए, नॉवेल के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार इनको 1999 का मिला था और पद्मश्री मिला था 2000 में, ठीक। बाबा साहेब धाबेकर तो ये फॉर्मर मिनिस्टर थे महाराष्ट्र की तरफ से, सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर थे। एन वी बाल सुब्रमण्यम यहाँ पर मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। कृष्ण कुमार मोदी ये फॉर्मर प्रेसिडेंट फिक्की के इस समय प्रेसिडेंट कौन है आप लोग लिख करके बताइए कमेंट में, अभी हमने इससे पहले के वीडियो में बताया है। चंपक जैन की बात कर लें तो फिल्म प्रोड्यूसर मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी फिल्मों को इन्होंने प्रोड्यूस किया था। गीतांजलि तेलुगु अभिनेत्री, 500 से अधिक फिल्मों में काम किया इन्होंने। फिल्म के नाम याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है। गुरुदास दासगुप्ता ये पूर्व सांसद और सीपीआई के वरिष्ठ नेता। आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि क्या सीपीआई एक राष्ट्रीय पार्टी है या स्टेट पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी हो गई है बताइए कमेंट करके। अगला है एन वेंकटचला, ये फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और फॉर्मर लोकायुक्त हैं कर्नाटक के, इनका निधन हुआ था। उसके बाद जॉन विदरस्पून तो ये अभिनेता और कॉमेडियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सदाको ओगाटा पहली महिला संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि अभी जिनका निधन हो गया है सदाको ओगाटा वो क्या थी, तो फर्स्ट फीमेल यूएन रेफ्यूजी चीफ, ठीक है। तो शरणार्थी नहीं थी, यूएन महिला संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी प्रमुख थी, ठीक है। यूएन रेफ्यूजी जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है उसकी चीफ थी, थोड़ा सा यहाँ पर समझने में गलती हो गई हिंदी इंग्लिश में। अगला है नानम्मल, तो पद्मश्री की जीत चुकी हैं और ओल्डेस्ट योगा टीचर इनको कहा जाता है, अभी न्यूज़ में आई थी, सबसे पुरानी योग शिक्षक नानम्मल।
दिलीप पारेख यहाँ पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं हम तो दादू चौगले, ये पहलवान थे, पूर्व रेसलर और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के अवार्डी रह चुके हैं। महाराष्ट्र केसरी का अवार्ड जीत चुके हैं। शिव छत्रपति पुरस्कार जीत चुके हैं राज्य सरकार का, जो है महाराष्ट्र की राज्य की सरकार का। के बी सिद्धैया ये आपके हैं लेखक और दार्शनिक, यानी फिलोसफर और राइटर। मार्क हर्ड ये क्या है, ये सीईओ थे ओरेकल के, ठीक है, पूर्व ओरेकल के सीईओ। अलिसियो अल्फेंसो का, ये सॉरी अलोंसो का निधन हुआ, ये क्यूबा की बैले डांसर थी, ठीक है। उसके बाद कालिदास कर्मकार, तो ये पेंटर थे बांग्लादेश की तरफ से। 2016 में इनको शिल्प कला पदक मिला था, 2018 में बांग्लादेश की सरकार के द्वारा जो एकुशी पदक दिया जाता है वो। उसके बाद अलेक्सी लियोनोव करके अंतरिक्ष में पहली बार चहलकदमी करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री थे ये, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, अलेक्सी लियोनोव, इनका निधन हुआ और 54 साल पहले अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले व्यक्ति बने थे। सारा डेनियस की बात कर लें तो फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ नोबल लिटरेचर अवार्ड बॉडी, तो जो निकाय जो नोबल लिटरेचर पुरस्कार का निर्धारण करता है उसकी पहली फीमेल हेड थी, इनका निधन हुआ। कादरी गोपालनाथ की बात कर लें तो सेक्सोफोनिस्ट थे, सेक्सोफोन बजाते थे और पद्मश्री अवार्डी रहे थे। और डायहान कैरोल की बात कर लें तो यूएस अमेरिकन एक्ट्रेस, और इतना इम्पोर्टेंट नहीं इनके बारे में जानना। सत्यप्रिया मोहतेरो, तो ये बांग्लादेश के बौद्ध नेता थे। 2015 में बांग्लादेश एकुशी पदक मिला था और दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो होता है उससे बांग्लादेश सरकार ने इनको सम्मानित किया। तो बांग्लादेश में दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है, एकुशी पदक, याद रखा जा सकता है वैसे जनरल नॉलेज के लिए। कृष्ण गोपाल कृष्ण कादकोड़ी ये क्या है, ये सेंट्रल फिलेटलिस्ट थे और कॉइन कलेक्टर। तो फिलेटलिस्ट किसको कहते हैं, जो डाक आपकी जो डाक टिकट होती है उनका कलेक्शन करते हैं, उनका संग्रहण करते हैं, और कॉइन कलेक्टर भी थे। अगला है फारूक खान, तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के पत्रकार थे, महाराष्ट्र से थे, उनका निधन हुआ। एच एल त्रिवेदी प्रसिद्ध किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर थे। एरिक प्लेस्को, तो अमेरिकन ऑस्ट्रियन फिल्म निर्माता थे। जेसी नॉर्मन, ये प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ओपेरा स्टार थी, 4 ग्रैमी और 1 नेशनल मेडल ऑफ आर्ट इन्होंने जीता। जॉस जॉस ये दिग्गज मैक्सिकन गायक थे। आगे अगर हम देखें तो वी गणेशन इंडियन नेशनल आर्मी के वेटरन थे, तमिलनाडु से थे। विजू खोटे जो जिन्होंने मतलब शोले फिल्म में जो कालिया का किरदार निभाया था वो, और बहुत सी मराठी फिल्में की थी, उनका निधन हुआ था। के पी एस मेनन, तो ये फॉर्मर डिप्लोमेट यानी राजनयिक थे। बोमन रशीद कोहिनूर की बात कर लें तो ब्रिटानिया एंड कंपनी मुंबई में सीनियर पार्टनर थे ये। जे माइकल मेंडल की बात कर लें तो अमेरिकन टेलीविजन प्रोड्यूसर और 4 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले थे। जैक शिराक फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं वहाँ के। वेणु माधव तेलुगु फिल्म अभिनेता। भगतराम वत्स पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पूर्व वरिष्ठ संवाददाता। माधव आप्टे क्रिकेटर, इनका निधन हुआ था। इन्होंने 67 फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैचेस खेले थे। एस के पद्म देवी की बात कर लें तो वेटरन एक्ट्रेस और बहुआयामी कलाकार इनको कह सकते हैं हम लोग। पहली फिल्म इनकी आई थी भक्त ध्रुव। अगला है रॉबर्ट स्किनर बॉयड, तो प्रसिद्ध अभिनेत्री, अमेरिकी पत्रकार और पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं ये रॉबर्ट स्किनर बॉयड। फर्नांडो रिक्सन ये थे पूर्व रेंजर और नीदरलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी। श्याम रामसे ये थे बॉलीवुड के फेमस हॉरर फिल्म प्रोड्यूसर। श्याम रामसे की बहुत सी फिल्म आती थी और काफ़ी जो है मतलब थोड़ी सी फनी भी होती थी, इनका रोस्ट वगैरह लोग अपलोड करते हैं। जैन आबिदीन बेन अली ये ट्यूनीशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। आप लोग ट्यूनीशिया की कैपिटल का नाम जल्दी से कमेंट करके बताइए हमको। सथार के बारे में बात कर लें तो दिग्गज केरल के अभिनेता थे। कोडेला शिव प्रसाद राव ये थे आंध्र प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष। संजीव कुमार दत्ता ये हैं फिल्म के एडिटर, और इकबाल एक हसीना थी मर्दानी जैसी फिल्मों में जो है इन्होंने एडिटिंग की थी। शिवरामन चेरीनाद की बात कर लें तो केरल के प्रसिद्ध लेखक। इनको 2009 में एपी कलक्कड़ पुरस्कार मिला था और अबू धाबी शक्ति पुरस्कार मिला था 1988 में, ठीक है। बी एन युगधर की बात कर लें तो पूर्व ब्यूरोक्रेट आईएएस पीएमओ में पीएमओ के सचिव रह चुके। माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं उनके पिता थे ये, ठीक
है। अगला है अकलिसी पोहिवा, तो ये दक्षिण प्रांत के जलवायु परिवर्तन प्रचारक और टोंगन के प्रधानमंत्री थे। टोंगन को टोगा भी कहते हैं, टोगा या टोंगा ऐसे भी, मतलब टोंगन रिपब्लिक है ये। राजशेखर ये तमिल फिल्म निर्देशक, अभिनेता, सिनेमेटोग्राफर थे। हीरालाल शर्मा भारत में जन्मे राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, इनका निधन हुआ। वीरू कृष्णन ये अभिनेता और कथक नर्तक थे। दूल्हे राजा, अकेले हम, अकेले तुम, राधा हिंदुस्तानी जैसी पिक्चरों में इन्होंने जो काम किया था। उसके बाद राम जेठमलानी भारत के सबसे महंगे सबसे बड़े वकीलों में से एक, और केंद्रीय मंत्री रह चुके, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन रह चुके। तो ये हैं, ये हैं का मतलब अब नहीं हैं, अब नहीं रहे। अब्दुल कादिर पाकिस्तान के मास्टर लेग स्पिनर थे और अब ये नहीं रहे हैं। सुखदेव सिंह लिब्रा ये वयोवृद्ध कांग्रेस के नेता थे और पूर्व सांसद से 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। रॉबर्ट मुगाबे जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति, अब नहीं रहे हैं। किरण नागरकर के बारे में बात कर लें तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार इन्होंने जीता था ककोल्ड के लिए, इंग्लिश में ककोल्ड लिखने के लिए 1997 में, और साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता के तौर पर इन्हें याद रख सकते हैं। वैलरी हार्पर 4 बार एमी पुरस्कार इन्होंने जीता था। उसके बाद निमू भौमिक, दिग्गज बंगाली अभिनेता। नवनीत भाई शाह ये एमएलए थे पालघर से, सोशलिस्ट लीडर और एमएलए पालघर से। रजनीश कुमार बब्बी ये पंजाब में मुकेरियन विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक थे। मतलब छोटे छोटे आप अपने आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में। कमांडर नील केलमैन ये आपके नौसेना युद्ध के नायक और कीर्ति चक्र से सम्मानित थे, अब ये नहीं रहे हैं, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। कंचन चौधरी भट्टाचार्य ये फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फर्स्ट वीमेन डीजीपी, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। साथ ही साथ देश की दूसरी महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी के बाद, और आपको इससे अगर पूछ ले कि पहली महिला आईएएस अधिकारी इंडिया में कौन थी, तो अन्ना राजम मल्होत्रा, उनका निधन हो गया था 2018 में। अरुण जेटली का निधन हो गया था। बाबूलाल गौर का निधन हो गया था, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के। निरंजन सिंह तस्नीम का निधन हो गया था, पंजाबी लेखक थे, साहित्य अकेडमी पुरस्कार उन्होंने जीता था। पंजाब का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है पंजाब साहित्य रत्न, इन्होंने जीता था। मोहम्मद जहूर हाशमी ये वेटरन म्यूजिक कंपोजर थे। जगन्नाथ मिश्रा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। बीपीएससी वाले इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, इनके बारे में फैक्ट्स और भी आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, खासकर बिहार वाले। नीलम शर्मा को दूरदर्शन एंकर थी ये, इनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला था। नीलम शर्मा के प्रोग्राम्स आते थे दूरदर्शन में, बड़ी चर्चा के नाम से और तेजस्विनी के नाम से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दामोदर गणेश बापट ये एक सोशल वर्कर थे, पद्मश्री अवार्डी थे, ये छत्तीसगढ़ से थे। ठीक है, रजिया रहमान के बारे में बात कर लें तो बांग्लादेशी उपन्यासकार थी और इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बांग्ला साहित्य अकेडमी से। एकुश्री पादक जो वहाँ पर होता है, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान बांग्लादेश का, उससे भी इनको सम्मानित किया गया था। विद्या सिन्हा नहीं रही हैं, बॉलीवुड अभिनेत्री, अपनी फिल्म रजनीगंधा के लिए प्रसिद्ध थी। वी बी चंद्रशेखर भारत और तमिलनाडु के पूर्व क्रिकेटर, 7 वनडे मैच उन्होंने इंडियन नेशनल टीम की तरफ से खेले हैं। जॉयस लुइस ब्राउन अर्जेंटीना वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉल टीम के प्लेयर थे। डीजे अराफात आइवरी कोस्ट के म्यूजिक स्टार हैं, आइवरी कोस्ट इतना छोटा कंट्री है और उसमें हमसे क्या मतलब है, कौन रहा, कोई नहीं रहा। अमरेंद्र शरण मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अमरेंद्र शरण के बारे में बात कर लें तो सीनियर एडवोकेट और फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। दयानिधि नायक के बारे में बात कर लें तो स्वतंत्रता सेनानी थे। रटगर हॉयर के बारे में बात कर लें तो डच फिल्म अभिनेता थे। ली पेंग के बारे में बात कर लें तो चीन के पूर्व प्रधानमंत्री और नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष। पीटर मैकनमरा ये ऑस्ट्रेलियाई टेनिस चैंपियन थे। युकिया अमैनो ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख थे। शीला दीक्षित आप जानते हैं इनको, 3 बार मुख्यमंत्री रही थी, इनका निधन हुआ। राज ढाले जो हैं ये कट्टरपंथी संगठन दलित पैंथर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। फर्नांडो कोरबेटो ये अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जोगिंदर सिंह घरिया ये थे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल। 1971 में भारत पाक युद्ध में महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। हैदराबाद ऑपरेशन में कीर्ति चक्र से सम्मानित इनको किया गया था। 1947 के लिए
स्वीट पी वॉटेकर, स्वीट पी विटेकर, ये पूर्व ओलंपिक मुक्केबाज स्वर्ण पदक विजेता हैं। लाइट वेट, लाइट वेल्टर वेट, वेल्टर वेट और लाइट मिडिल वेट में इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती हैं। अगला है इरशाद, एच एम इरशाद, ये बांग्लादेश के मिलिट्री डिक्टेटर थे, तानाशाह थे। सिंगापुर, फॉर्मर बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी, तो वयोवृद्ध सेक्रेटरी थे बिलियर्ड्स और स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया के। सोमेंद्र कुंडू, ये बंगाल और रेलवे की टीम से खेलने वाले लेग स्पिनर थे। जाओ गिलबर्टो, ये प्रसिद्ध ब्रासिलियाई संगीतकार और गीतकार थे। ए यू सेलस्टाइन, ये तमिलनाडु के पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी। ली लेकोका, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के दिग्गज थे यूएस की तरफ से, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, खुद ही बता रहा हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कॉलिन ड्यून, ये पेशेवर मोटरसाइकिल रेसर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाबू नारायण, ये मलयालम निर्देशक थे। अब्बूरी छाया देव, ये तेलुगु स्टोरी राइटर और साहित्य अकेडमी अवार्ड की विनर थी। झरना धारा चौधरी, ये एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी। श्याम सुंदर मित्रा, ये बंगाल के पूर्व क्रिकेटर। विजय निर्मला, ये फिल्म मेकर, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। मोहन रानाडे, ये गोवा के वयोवृद्ध फ्रीडम फाइटर और पद्मश्री विनर। मोहम्मद मोरसी, ये मिस्र यानी इजिप्ट के पूर्व राष्ट्रपति। राजनाथ सिंह सूर्या, ये भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार थे। और ध्यान रखिए, ये वाले राजनाथ सिंह नहीं है, गृह मंत्री जो हैं ये अभी जीवित हैं। क्रेजी मोहन के बारे में बात कर लें तो तमिल राइटर, कॉमिक यानी हास्य अभिनेता। गिरीश कर्नाड, फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और नाटककार थे। मैलकम रेबनेक, ये 6 बार के ग्रैमी पुरस्कार विजेता थे। लेनन जोहानसन, ये चैंपियंस लीग फुटबॉल निर्माता थे। और दिनियार कॉन्ट्रैक्टर, ये हास्य अभिनेता, फिल्म थिएटर एक्टर थे। रूमा गुहा ठाकुरता, ये अभिनेत्री गायिका थी। और कार्माइन कॉरडी, ये गॉडफादर फ्रेंचाइज। अजय देवगन के पिता वीरू देवगन का निधन हुआ था इस साल। विजय मुलाय का निधन हो गया था। ये ऑफकोर्स ये हैं फिल्म मेकर, हिस्टोरियन, रिसर्च और एजुकेशनिस्ट। सैमी शोर का निधन हो गया था, ये द कॉमेडी स्टोर के फाउंडर हैं, को फाउंडर। और निकी का निधन हो गया था, पूर्व फॉर्मूला 1 ड्राइवर और 3 बार के विश्व चैंपियन। आई एम पेई द मास्टर आर्किटेक्ट। रल्लपल्ली वेंकट नरसिम्हा राव, ये तेलुगु अभिनेता। हीरा लाल यादव के बारे में बात कर लें तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भोजपुरी गायक कलाकार। वाई सी देवेश्वर, ये पद्म भूषण अवार्डी और आईटीसी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। थापिल मोहम्मद मीरान, तो तमिल नॉवलिस्ट एंड साहित्य अकेडमी पुरस्कार अवार्डी। वैद्यनाथ मिश्रा, ये इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री हैं। भीमसेन खुराना, ये एनिमेशन पॉइनियर और मल्टीपल नेशनल अवार्ड विनर। ठीक है, मर्म राजू सत्यनारायण राव, ये राइटर और एकेडमिशियन। पीटर मेव्यू, ये चुबाका के चरित्र को निभाने वाले अभिनेता थे। ठीक है, मास्टर हिरन्नैया, ये टीवी एक्टर थे, कन्नड़ रंगमंच से रिलेटेड। एन आर माधव, ये थे आपके एजुकेशनिस्ट, स्कॉलर, पॉइनियर स्पिरिट बिहाइंड मॉडर्न लीगल एजुकेशन इन इंडिया। तो एन आर माधव को माना जाता है कि मॉडर्न लीगल एजुकेशन इन इंडिया के फाउंडर थे, या फिर सॉरी कह सकते हैं फादर या जनक थे। कादर खान का निधन हो गया था, अभिनेता, हास्य अभिनेता, विलेन भी बनते थे। राजेश खन्ना की दाग से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। 250 से अधिक फिल्मों के डायलॉग लिखे थे। रमाकांत आचरेकर, ये दिग्गज क्रिकेट कोच, ये तेंदुलकर कांबली के ये ट्रेनर रहे थे एकदम शुरू में। सी एच लोकनाथ, ये वरिष्ठ कन्नड़ अभिनेता थे। देवेंदु पालित, ये बंगाली लेखक और साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति। सर माइकल अतिया, ये जो थे ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। और लेनिन राजेंद्रन, ये थे आपके मलयालम डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर। मैरी ऑलिवर, ये थी पुलित्जर पुरस्कार विजेता कवि। मसाजो नोनका, ये थे दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का अब निधन हो चुका है, तो अब जब ये नहीं रहे हैं तो सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का नाम में अब इनका नाम नहीं लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो रघुबीर सिंह भोला, ये फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर थे, इनका निधन हुआ। अतिन बंदोपाध्याय, ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता और बंगाली लेखक। रसल बेकर, ये पुलित्जर पुरस्कार विजेता। कृष्णा सोबती, जिनको 53वां साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था।
इस मतलब ये लेटेस्ट साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको मिला ये आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। मिशेल लेग्रैंड ये ऑस्कर विजेता फ्रांसीसी संगीतकार हैं। जॉर्ज फर्नांडिस ये पूर्व रक्षा मंत्री। हितेन भाया ये पूर्व योजना आयोग के सदस्य और IIMC के पूर्व निदेशक। रमेश भटकर ये वयोवृद्ध मराठी अभिनेता। जॉन डिंगल ये लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेसमैन इन US हिस्ट्री। अल्बर्ट फिनी ये ऑस्कर नामित ब्रिटिश एक्टर। महेश आनंद ये प्रसिद्ध अभिनेता। मैनफ्रेड ओयगन ये जर्मन वैज्ञानिक थे। गॉर्डन बैंक्स ये फेमस गोलकीपर। एंड्रिया लेवी ये ब्रिटिश लेखक। ब्रूनो गैंस ये स्विस अभिनेता। वॉलेस स्मिथ ब्रीकर ये जलवायु वैज्ञानिक। नामवर सिंह हिंदी के लेखक और इनका निधन हुआ था। छायावाद कविता के नए प्रतिमान दूसरी परंपरा की खोज इनकी कुछ पुस्तकें थीं। विलियम ई बटरवर्थ ये प्रसिद्ध दिग्गज सैन्य विज्ञानी और उपन्यासकार थे। जोरस एल्फ्रोव ये रूसी भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता। एंद्रे पविन ये प्रसिद्ध संगीतकार और पियानो वादक। डरिल डी मॉन्टी ये थे वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरण कार्यकर्ता। ल्यूक पेरी ये अमेरिकी अभिनेता थे। मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री पूर्व रक्षा मंत्री नहीं रहे थे, प्रमोद सावंत इनके बाद बने थे। विंज कुमारी अनुसुईया देवी ये लोक कलाकार और रेडियो कमेंटेटर। स्कॉट वॉकर सबसे नवीन और स्थायी गीतकार। अशिता ये मलयालम लेखिका और कवित्री थी। वॉलरी ब्यूकोवस्की ये रूसी कॉस्मोनॉट। प्रफुल्ल राजगुरु ये वयोवृद्ध पत्रकार जर्नलिस्ट एजुकेशनिस्ट। जे महेंद्रन प्रसिद्ध तमिल डायरेक्टर। कार्तिक चंद्र ये प्रख्यात नाटककार। सिडनी ब्रेनर फिजियोलॉजी या मेडिसिन नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति। प्रदीप चौबे प्रख्यात हिंदी कवि। और जेरी कॉब अमेरिका की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉन डिलैंग ये स्कॉटलैंड के ऑलराउंडर थे, क्रिकेट खेलते थे। लॉरेन वॉरेन ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। अमर पॉल ये प्रख्यात बंगाली लोक गायक। एस मुथैया चेन्नई के प्रसिद्ध क्रॉलर कार्टोग्राफर और पत्रकार थे। उसके अलावा डेरेक सिप्पी ये आपके पूर्व भारतीय क्यू खिलाड़ी कोच और प्रशासक थे। रमा सेन गुप्ता पॉल ये वयोवृद्ध महिला पर्वतारोही। टेरी रॉलिंग ये ब्रिटिश फिल्म और साउंड एडिटर। मार्क मेडॉफ ये प्रशंसित लेखक। पुंगम कन्नन ये पूर्व भारतीय फुटबॉलर, इनको पेले ऑफ द एशिया के नाम से जाना जाता है। और निगासो गिदादा ये इथोपिया के पूर्व राष्ट्रपति। जॉन सिंगल्टन एकेडमी अवार्ड नामित फिल्म निर्माता। NR माधव ये शिक्षाविद स्कॉलर, भारत में आधुनिक विधि शिक्षा में अग्रणी योगदान था इनका।